नमस्कार सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं प्रद्योत और आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही बेहतरीन कंटेंट। जी हां, सभी को राधे राधे, सभी को सुप्रभात। और आज हम आपके लिए लाए हैं पृथ्वीराज रासो से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट। पृथ्वीराज रासो से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं और आज हम पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण पर बात करने वाले हैं। छोटी सी वीडियो में 4 संस्करणों के बारे में पृथ्वीराज रासो से संबंधित प्रश्न आते हैं। चलिए, पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला संस्करण है जिसे बृहत्तर रूपांतरण कहा जाता है। बृहत्तर का मतलब बहुत बड़ा, बृहद, ठीक है, बड़ा। तो इसमें कितने 69 समय हैं, या खंड या समय कहो, इसमें नाम समय दिया गया है और ये परीक्षाओं में बहुत आता है। पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं, ठीक है, तो समय कितने हैं 69, ये बार बार पूछा जाता है, आप इस बात को नोट रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। छंद यदि पूछ लिए जाएं तो 16306 छंद हैं इसमें, जो सबसे बड़ा रूपांतरण है उसमें 16306 छंद हैं। इसका प्रकाशन काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा कराया गया है, ठीक है, ये प्रकाशन भी पूछा जाता है। 73 संस्करण का प्रकाशन किसने कराया है? तो काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने कराया है, ठीक है। तो ये 3 महत्वपूर्ण तथ्य, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य हैं ये तीनों, 73 रूपांतरण से संबंधित। आपको तीनों ही तैयार रखने हैं। मध्यम रूपांतरण क्या कहता है? जो मध्यम रूपांतरण है इसमें 43 समय बताए गए हैं। कितने समय हैं? 43, यहाँ 69, यहाँ 43, 43। छंद इसमें 7000 हैं, छंद कितने हैं 7000। और प्रकाशन इसका नहीं हुआ है अबोहर एवं बीकानेर में इसकी हस्तलिखित प्रतियां सुरक्षित हैं, इसका प्रकाशन नहीं हुआ है। ये दो चीज़ें तो बहुत महत्वपूर्ण हैं, 43 समय हैं और 7000 छंद हैं, ठीक है, इसका प्रकाशन नहीं हुआ है, तो आप इस बात को नोट रखेंगे, ठीक है, अपनी डायरी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है लघु रूपांतरण। लघु रूपांतरण बहुत महत्वपूर्ण रूपांतरण, इसमें 19 समय हैं, ठीक है, कितने समय हैं 19, और 3500 छंद हैं। ये छंद कई बार पूछे गए हैं और बहुत पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। बीकानेर में प्रतियां इसकी सुरक्षित हैं, ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें आप याद रखेंगे। कौन से 19 समय हैं इसमें, ठीक, बिल्कुल सही दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है, बहुत बढ़िया। चलो अगला है लघुत्तम, जो लघु से भी छोटा है, इसमें 1300 ही छंद हैं, ठीक है, कितने छंद हैं 1300 हैं, यहाँ 3500 हैं, फिर 3500 के 2 गुने 7000 हैं, फिर 7000 से लगभग 2 गुने 16306 हैं, 2 गुने से ज़्यादा हैं, 14000 से भी 2306 ज़्यादा हैं। चलो ठीक है, तो अभी लघुत्तम रूपांतरण 1300 छंद का है, दशरथ शर्मा ने इसी को मूल रासो माना है, ठीक है, ये आप वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य, ऐसे नोट रखेंगे, दशरथ शर्मा ने इस संस्करण को ही मूल रासो माना है। नोट, माता प्रसाद गुप्त ने पृथ्वीराज रासो के 4 पाठ निर्धारित किए हैं। अन्य तथ्य भी देख लो, परीक्षा के लिए बार बार आते हैं ये तथ्य। सुख सुखी संवाद के रूप में पृथ्वीराज रासो को किसने माना, ये प्रश्न आता है, तो सुख सुखी संवाद के रूप में पृथ्वीराज रासो को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। चंद बरदाई की 2 पत्नियां थीं, कमला और गौरी, इनके 10 पुत्र थे और सबसे प्रमुख पुत्र जो जल्हड़ थे, इन्हें इन्होंने अपना ग्रंथ दिया था, पुस्तक जल्हड़ हथ दे चले गज्जन रिपराज, अर्थात इन्हें अपनी पुस्तक सौंपी थी और चंद बरदाई के द्वारा लिखा हुआ पृथ्वीराज रासो जल्हड़ ने ही पूरा किया था, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखो, पृथ्वीराज रासो की 3 पत्नियां संयोगिता, इच्छिनी और सस्मृता, ये संयोगिता वाला PGT 2016 UP में पूछा गया था, संयोगिता पृथ्वीराज किस पर अनुरक्त था, तो संयोगिता वाला पूछा गया था परीक्षा में। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य, ये 3 और ये 4 आपको पता लगे, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं फिर से। राधे राधे।